उम्मीद है दिवाली की सफाइयाँ आपने शुरू कर दी होंगी, और अगर कर दी हैं तो मैंने आपको, अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं तो मैंने आपको गाड़ी में, घर में, अलमारी में, रसोई में, कपड़ों में, तिजोरी में, पर्स में, बच्चों के बैग में, हर जगह पर मैंने आपसे केसर रखवाया था। ठीक है, मैं घर के बाहर हूँ, घर में सब सो रहे हैं, सबको डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए घर के सामने ही गाड़ी खड़ी करके मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप वो केसर निकाल दीजिए, सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, पिछले साल का पुराना सारा केसर निकाल लीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि उस केसर को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, कौन रखता है भाई? 1 लाख रुपये किलो केसर आता है, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं रखना। उस पुराने केसर को हम खा नहीं सकते, लेकिन उसे पानी में डाल के नहा सकते हैं, उसे पानी में डालकर मैजिक वाटर की तरह अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, उसे हम तुलसी पर अर्पण कर सकते हैं, उसे हम सूरज को जल देते वक्त जल में डालकर अर्पण कर सकते हैं, उसको हम नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम जो कपूर लैंप होता है, कपूर जब उसमें डाल के जलाते हैं, उसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर अगर जला दें तो भी हमारे जीवन के अंदर से नकारात्मकता दूर होती है और घर के अंदर केसर की खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप अपने घर के लड्डू गोपाल को, कृष्ण जी को नहलाते हैं तो उस केसर के पानी से आप उन्हें नहला सकते हैं। खाने के सिवा यू कैन यूज़ एनी वेयर दैट केसर, माथे पे लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और नहाने के लिए कर लें तो गुरु ग्रह इतना बढ़िया हो जाएगा कि शब्दों में बयां करना मना है। और अगर बयान करना मुश्किल है, मना नहीं है, और अगर दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वही हुए, अगर आप मेरे परिवार और यूट्यूब का, इंस्टाग्राम, बिलीव इन कर्मा, फेसबुक का नया हिस्सा है तो केसर की छोटी छोटी डब्बियाँ खरीदनी है और केसर को हर जगह पर आपको रखना है। जैसे कि आपको केसर को रखना है अलमारी में, घर में, कपड़ों में, गाड़ी के अंदर, तिजोरी में, चावल के डब्बे के अंदर, दालों के अंदर, जहाँ आटे का डब्बा है वहाँ पर छोटे छोटे से पैकेट है, पैकेट खोलो मत और केसर रख दो। जिसके घर में केसर और चंदन की लकड़ी धन